हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? हम अच्छे, आप लोग भी अच्छे ही होंगे। तो ये है अष्टमी वाले दिन हम नहा धुल कर आ गए थे और मेरा अष्टमी का फास्टिंग था, तो भगवान जी का पूजा ये सब करके फिर हम लोग जाते हैं खोज भरने। तो वहाँ पे जाने के लिए गाड़ी आ गया, तो हम लोग चले गए। और यहाँ पे हम लोग के पास वाले जो दुर्गा जी का ये होता है पंडाल लगता है, वो अजीतपुर में लगता है। हम लोग अजीतपुर गए थे, वहाँ पर जाकर पूजा ये सब की, फिर नारियल फोड़े और नारियल फोड़ कर भगवान जी का प्रसाद उसाद ये सब चढ़ाकर और जो चढ़ावा चढ़ाए थे वो सब लेकर आ गए। फिर मेरी बहन मेला में कुछ सामान ये सब ली, उसके बाद वो लोग मोमोज खाने चले गए। घर आकर फिर सभी लोगों के लिए चाय बनाने के लिए चढ़ा दिए थे, क्योंकि सब लोगों का फास्टिंग था। और यहाँ पे सभी जने जुट कर बातें कर रहे थे। मौसी की बेटी लोग भी आ गई थी, बाबू को निमंत्रण था इसके लिए। और मेरी प्रज्ञा जब तक सो रही है तब तक हम सोचे कि अपना काम निपटा लेते हैं। फिर शाम के टाइम कुछ मेरी फ्रेंड्स लोग आ गई थी, तो उन लोगों के लिए भी चाय बना दी। और यहाँ तब तक मेरी प्रज्ञा जग गई थी, वो अपनी मौसी के साथ खेल रही है। सभी लोगों को खिला देने के बाद फिर हम लोग फलहार किए। फलहार कर लेने के बाद ये साड़ी जो देवी जी को चढ़ाने के लिए हम लोग लिए थे वो सब चीज़ को एक जगह रख दिए थे, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी जाना था। और यहाँ पे जो लोग मटर नहीं खाने वाले थे उनके लिए सब्जी ये सब आया था, वो सब चीज़ को एक जगह रख दी और पूजा का सामान भी रख दिए थे। फिर हम दवा खा लिए, क्योंकि मुझे एलर्जी हो गई थी, जिस कारण बाबू भी परेशान थी। इधर मेरी बहन सामान ये सब रख रही है। जब हम सोने आए तो प्रज्ञा भी जग चुकी थी। मेरी तबीयत खराब हो जाने के कारण शायद वो भी सही से नहीं सो पा रही है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं मुंबई वाले ब्लॉग में। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।